हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई से वैकेंसी आई है टीचर्स की। हिंदी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, कला, लेखाकार की वैकेंसी है। इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में भी वैकेंसी है। आयु इसमें 25 से लेकर 45 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है 24,200 पर मंथ, साथ में जो है इसमें रेजिडेंस की सुविधा भी रहेगी। 15 अगस्त जो है लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो चलिए सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और वहां पर सारी चीज़ें चेक करेंगे, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग फिल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देगा, नोटिफिकेशन इसी तरीके का है। बाकी सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका की वैकेंसी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, जिसमें मैथ्स में 3 वैकेंसी हैं और कंप्यूटर टीचर में 3 वैकेंसी हैं, बाकी सभी में 2-2 वैकेंसी हैं। फुल टाइम टीचर की सैलरी जो है 24,200 पर मंथ रहने वाली है। कोई परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिलेक्शन मेरिट बेस पर रहेगा। उम्र सीमा यहाँ पर न्यूनतम 25 और अधिकतम 45। तो अगर आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहेंगे, आपका सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड और आपका टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आपने सीटेट किया है, आपने आपके राज्य का टेट क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल आप लोग यहाँ आवेदन कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए VPED CPED वाले अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर टीचर के लिए PGDCA वाले, BCA वाले, MCA वाले अप्लाई कर पाएंगे। कला, क्राफ्ट, गृह शिल्प की 5 वैकेंसी हैं और इसमें जो है आपका कला में डिप्लोमा हो या डिग्री आपका होना चाहिए। उर्दू के लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और साथ में बीएड। लेखाकार की वैकेंसी जिसमें कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमएस ऑफिस की नॉलेज मांगी गई है ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है, ग्रेजुएशन कॉमर्स से और एमएस ऑफिस की नॉलेज। सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार, तो इसमें जो है 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा सभी में समान है 25 to 45 ईयर। सैलरी जो है फुल टाइम टीचर की बता दी, 24,200 पर मंथ है और इसमें अंशकालिक शिक्षिका जो रहेंगी उनकी सैलरी सब्जेक्ट वाइज अलग है। उर्दू में सबसे अधिक है 16,408 रुपीज़, लेखाकार में 13,673 रुपीज़, कला क्राफ्ट में 12,181, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर, बाकी जो है फुल टाइम टीचर की वैकेंसी है। सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार में, जिसमें सहायक रसोईया में 11 वैकेंसी हैं, चपरासी में 1 वैकेंसी है और चौकीदार में 4 वैकेंसी हैं, तो इसमें केवल 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी ही जो है इसमें आवेदन कर पाएंगी। आवेदन करने के लिए सबसे नीचे आप लोगों को जनपद हरदोई उत्तर प्रदेश में है, इसके कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2024-25। तो कस्तूरबा विद्यालय में सबसे पहले संविदा आधार पर ही वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद आपकी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, इन सभी के मार्क्स जो है जोड़कर और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी और सिलेक्शन होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ में एड्रेस पर भेज देना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई उत्तर प्रदेश। जो भी आवेदन करने के इच्छुक हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे hardoi.nic.in। तो इसमें यहाँ पर राइट साइड में मोर ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर है नोटिस, बस इसी पर क्लिक करना है और आपके सामने जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर है ऑफिस बेसिक एजुकेशन
ऑफिसर हरदोई, 25 जुलाई 2024 का विज्ञापन है और 15 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। आगे डाउनलोड का ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसी ही वैकेंसी के साथ जो है जुड़े रहें चैनल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।